मित्रों सर्वप्रथम मैं लालू जी को बधाई देना चाहता हूँ। 4 साल से ये जिस अयोध्या पर्व को आयोजित कर रहे हैं और 3 दिवसीय इतना सुंदर पर्व यहाँ आयोजित हो रहा है कि हम अपने अधिकारियों के साथ बैठे थे, उन्होंने कहा गोयल सर इस अयोध्या पर्व के होने से वातावरण में ऐसा सुगंधित वातावरण हो गया है गांधी दर्शन के अंदर, जिसके लिए इनको बधाई दी जानी चाहिए। कहीं पेंटिंग कंपटीशन हो रहा है, मैंने कलाकारों की पेंटिंग देखी जैसा आपको राम बहादुर राय जी ने बताया। कहीं पर विचार गोष्ठी हो रही है राम राज्य को लेकर, कहीं पर सांस्कृतिक कार्यक्रम हो रहे हैं और अपनी सांस्कृतिक धार्मिक सामाजिक विरासत से दिल्ली के अंदर एक नई खुशबू फैलाई है। आज के कार्यक्रम के जो मुख्य अतिथि हैं धर्मेंद्र जी, हमारे भारत के शिक्षा मंत्री, उन्होंने और हमने लंबे समय तक काम किया। मैं धर्मेंद्र जी को जानता हूँ, मेहनती हैं, मितभाषी हैं और काम में ज़्यादा विश्वास रखते हैं। तो आपको ध्यान होगा कि पहले इनके पास भारी भरकम पेट्रोलियम मंत्रालय था, तो अब भारी भरकम शिक्षा मंत्रालय है। आइए हम सब उनका अभिनंदन करें, क्योंकि वे जैसा राम बहादुर राय जी कह रहे थे संस्कृति शिक्षा इन सबको आगे लेकर बढ़ाने का कंधा पर उनका है। और धर्मेंद्र जी से हमारा ताल्लुक पहले से है, वो इसलिए है कि मैं इनके पिताजी के साथ भी मंत्री था और मैं इनके साथ भी मंत्री था, तो आप समझ लीजिए कि कितने समय के साथ हम लगातार काम कर रहे हैं। ये जिस परिसर के अंदर आप बैठे हैं ना, इसका नाम गांधी दर्शन। एक दूसरा परिसर और है हमारे पास, वो है गांधी स्मृति। प्रधानमंत्री जी ने मुझे क्या सोचकर गांधी दर्शन का उपाध्यक्ष बनाया मैं नहीं जानता हूँ। कोई मैं गांधी के ऊपर बहुत ज़्यादा विद्वान हूँ ऐसी बात नहीं है, पर उन्होंने ये जरूर देखा होगा कि हम उसको जीवंत करेंगे और यहाँ पर काम करेंगे। तो इसलिए मैं आज बता रहा था आर्टिस्टों को, आपके लिए खुशखबरी ये है कि हम गांधी दर्शन में एक आर्ट गैलरी बनाने जा रहे हैं और लगातार यहाँ पे आर्टिस्ट आया करेंगे और अपनी कला का प्रदर्शन करेंगे। ऐसे ही हम गांधी दर्शन गांधी स्मृति में और अनेकों कार्यक्रम कर रहे हैं। धर्मेंद्र जी से मुझसे पूछ रहे थे यहाँ क्या क्या और गतिविधियाँ हैं, तो यहाँ 4 म्यूजियम्स हैं कम से कम। स्वच्छता का एक अलग बड़ा अच्छा म्यूजियम है जो मॉडर्न म्यूजियम है, आपको अपने बच्चों के साथ आकर कभी यहाँ पर आना चाहिए। यहाँ पर गेस्ट हाउस है, यहाँ पर जो दूसरी है वो गांधी जी की सबसे पुरानी प्रदर्शनी है जिसके अंदर दुर्लभ चित्र है और जिस कैरिज पर लेके गए थे गांधी जी को वो भी यहाँ पर रखा हुआ है। ऐसे ही जो गांधी स्मृति है 30 जनवरी मार्ग पे, उसमें भी एक प्रदर्शनी नीचे है और ऊपर जो प्रदर्शनी है वो हाईली डिजिटल और हाईली टेक्नोलॉजी से युक्त है, जो शायद आपने विदेशों में देखी होगी, हमारे देश में थोड़ी जगहों के ऊपर अब वो बनी है। तो मैं आप सबका इस परिसर के अंदर बहुत अभिनंदन करता हूँ। मैं सिर्फ इतना जानता हूँ अयोध्या पर्व पे आने से पहले कि गांधी जी को अगर कोई जी रहा है सब शब्दों में तो वो प्रधानमंत्री मोदी जी रहे हैं। वो कैसे जी रहे, इसलिए नहीं कि मैं कोई भारतीय जनता पार्टी से रहा हूँ या मैंने उनके साथ काम किया है। अगर आप देखिए गांधी जी का जो सबसे बड़ा नारा था वो स्वच्छता का था, और स्वच्छता के ऊपर जो प्रधानमंत्री मोदी ने काम किया 1947 से लेकर, वो आज तक किसी ने काम नहीं किया है। जितने करोड़ों उन्होंने शौचालय बना दिए, जिस तरह से उन्होंने झाड़ू उठा ली स्वच्छता के लिए, उसी तरीके से आपने देखा होगा शौचालय स्वच्छता नारी सशक्तिकरण के ऊपर जो उन्होंने काम किया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की जो उन्होंने बात की, देश का जो आर्थिक विकास किया, और गांधी जी का जो सबसे बड़ा था कि आयुर्वेद नेचुरोपैथी के ऊपर काम किया, वो आज हमारी सरकार सबसे पहले कर रही है। इसलिए मैं प्रधानमंत्री मोदी जी का अभिनंदन करना चाहता हूँ। मित्रों मैं उन लोगों में हूँ जिन्होंने बचपन में रामायण पढ़ डाली थी, महाभारत भी पढ़ डाली थी, क्योंकि उस समय हमारे घरों के अंदर रामायण हुआ करती थी, महाभारत हुआ करती थी। पता नहीं बाद में तो लोग कहते थे जिसके घर में महाभारत होती है उसमें महाभारत हो जाती है, पर ऐसा तो मुझे नहीं लगा उसको देखकर। पर जो रामायण पढ़ी उसकी छाप जो है मेरे मस्तिष्क में आज तक रही जा रही। हम उन बालकों में थे जो रामलीला के अंदर दरियों पे बैठकर रामलीला देखा करते थे और एक दिन 15-15 दिन तक लगातार रामलीला देखते थे और फिर भी पेट नहीं भरता था जाके। और वो जो रामलीला जितने आदर्श संस्कार सिखाती है, मैं नहीं समझता कि पूरे विश्व के अंदर ऐसा कोई भी मंचन होता होगा जिसके अंदर हर तरह का धर्म संस्कार सिखाया जाता हो। इसीलिए
भगवान राम को आदर्श पुरुष कहा गया। और इतना नहीं, गीता प्रेस गोरखपुर की किताबें पढ़कर मैं बड़ा हूँ। गीता प्रेस गोरखपुर आज क्या हाल है उसका मुझे मालूम नहीं, पीछे तो वो संकट के अंदर आ गया था, पर गीता प्रेस की जो किताबें थी ना, वीर बालक, वीर बालिकाएं, भक्त बालक, और इस तरीके जो संस्कार रूपी उन्होंने किताबें निकाली, तो मैंने उनको इन दिनों चिट्ठी लिखी थी। और मैं राय साहब आपको भी कहूँगा कि अब जो रामायण है, जो रामचरितमानस है, जो हमारे पुराने संस्कृति विरासत हैं, जैसे आर्य समाज के लोग एक बार मेरे पास आए थे, वाजपेयी जी जब प्रधानमंत्री थे, कि हम उनके साथ एक कार्यक्रम करना चाहते हैं स्वामी दयानंद को लेकर, तो मैंने उनको कहा था ये जो सत्यार्थ प्रकाश है ये आज की जनरेशन को समझ नहीं आएगा, इतने गूढ़ है मैं भी नहीं पढ़ सकता, तो इसको सरल भाषा में इसका जो अर्थ है वो करने की जरूरत है। जैसे मैं हमेशा कहता हूँ गांधी को हम डिस्कस करते रहते हैं, उस पर रिसर्च करते हैं, उस पर बहुत मोटी मोटी किताबें आ रही हैं, अभी रामचंद्र गुहा जी की इतनी मोटी किताब आई है जिसके अंदर पूरी हिस्ट्री है, सब कुछ है। गांधी तो बड़ा सरल, उसने चार बातें कही, एक सत्य की कही, एक अहिंसा की कही, एक सेवा की कही और एक सत्याग्रह की कही। इसके अंदर गांधी जी सिमट गए, पर उसको फॉलो करने की ज़रूरत है। और आज सबसे बड़ी बात यह है, जो भगवान राम का हम आदर्श लिखते हैं, गांधी जी का तो जीवन ही राम से शुरू होकर राम पर ख़त्म हुआ था। बचपन में जब एक बार वो अंधेरे में जा रहे थे तो उनको डर लग रहा था जाने से, तो उन्होंने अपनी माँ से कहा कि मुझे तो डर लग रहा है, तो उनकी माँ ने कहा तू राम राम कहता जा और निकल जाएगा जाके, और वही हुआ, उन्होंने राम राम किया और वो निकल गए। उसके बाद से लेकर पूरा जो मैं गांधी को पढ़ता हूँ तो मैं ये देखता हूँ उनके जीवन में हर जगह राम था, और अपने उन्होंने अपने जीवन के बहुत सारे कामों का श्रेय श्री राम को ही दिया, ये गांधी जी का जीवन था। तो सबसे बड़ी बात है गांधी के विचार पर चलने की जरूरत है। वैसे ही जैसे अयोध्या पर्व से जब हम राम राज्य की बात करते हैं तो उसका मतलब हम यही करते हैं, आर्थिक विकास की बात करते हैं, उसका मतलब हम भाईचारे की बात करते हैं, उसका मतलब हम एक अच्छे शासन की बात करते हैं, उसका मतलब हम इस देश में कोई गरीब ना रहे उसकी बात करते हैं, ऐसे राम राज्य की बात करते हैं। तो आज सबसे ज़्यादा जो जरूरत है वो फॉलो करने की ज़रूरत है। विजय गोयल उन लोगों में है जो 6 दिसंबर को अयोध्या में था, कार सेवा करने के लिए गया था, इसलिए मेरा अयोध्या से नाता है। जब मैं लौटा तो लोगों ने मेरे से पूछा अरे अयोध्या में कितने मंदिर हैं, तो मैंने उनको कहा अयोध्या में मंदिर नहीं है, अयोध्या के हर घर में मंदिर है, और अयोध्या के हर घर में मंदिर है। और अयोध्या के मंदिर में और दिल्ली के मंदिर में क्या फ़र्क होता है, दिल्ली वाले जो मंदिर है वो उस जगह पर बनाते हैं जो सबसे बेकार होती है, कोई साड़ियों कोई सीढ़ियों के नीचे या कहीं किसी छोटे से कोने के अंदर। और अयोध्या के अंदर मैंने खुद जाकर देखा जो सबसे बड़ा ड्राइंग रूम है वो भगवान का मंदिर है, और अपने लिए छोटा है, ये प्रैक्टिकल मैंने देखा। उसकी हर गली के अंदर आप देखिए कण कण के अंदर राम है जाकर, और राम जैसा चरित्र आज जब हम अपने आप को देखते हैं तो हम देखते हैं हम कुछ भी तो राम को फॉलो नहीं कर पा रहे जाके, मर्यादा पुरुषोत्तम चरित्रवान, अपने माँ बाप का आदर करने वाला, भाई का आदर करने वाला, जितने संबंध हैं वो सारे के सारे अगर दिखाए गए हैं तो वो सब राम के चरित्र के अंदर दिखाए गए हैं। तो मैं लालू जी को एक बार बहुत बधाई देता हूँ कि इन्होंने इतना सुंदर रखा अयोध्या पर्व का ये कार्यक्रम। जब जब आप कहेंगे तब तब हम भी आपके साथ मिलकर इस काम को करेंगे। जय श्री राम।